The country will begin voting in 7 phases starting from April 19. Chief Election Commissioner of India Rajiv Kumar has announced on Saturday counting set to end on June 4th. After the first phase, the second slot of voting will take place on April 26th, third phase on May 7th, fourth phase on May 13th, fifth phase on May 20th, sixth phase on May 25th and the seventh phase on June 1st. Kumar said that the total electors include 49.7 crore males, 47.1 crore females, 48,000 transgenders and 1.8 crore first-time voters have also been added to the voters list. Schedule of the Lok Sabha poll, phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज़ 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है, फिर बिहार के लिए वहाँ एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार के फर्स्ट फेज़ के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ त्यौहार हैं और 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी. सो फेज़ 1 दिस विल लुक लाइक दिस. ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे. अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा. तो इसमें जो फेज़ 1 का जो मैप है इसमें नॉर्थ ईस्ट नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी. ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है. सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में. सेकंड फेज विल नोटिफिकेशन विल स्टार्ट ऑन 28th ऑफ मार्च एंड डेट ऑफ पोल विल बी 26th ऑफ अप्रैल. Similarly here in case of J&K because of the some holiday the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification or date of poll would be common. Phase 1 में 21 राज्य polling में जाएंगे और phase 2 में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे. So this is the map which would be phase 2 जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए, सेकंड फेज़ में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे. फेज़ 3 वुड बी फ्रॉम 12th ऑफ अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल विल बी 7th ऑफ मई. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा. इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा. राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे. फोर्थ फेज में 18th अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th ऑफ मई. डेट ऑफ काउंटिंग इन द एंटायर कंट्री वुड बी 4th ऑफ जून फॉर ऑल बाई इलेक्शंस, फॉर द असेंबली इलेक्शंस, फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस. ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम.